नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्रिकेट विश्व कप का महामुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं महामुकाबले को लेकर पूरे देश में जोश की लहर है। आपको बता दें कि हर कोई भारत की जीत की कामना कर रहा। वहीं नवाबों का शहर लखनऊ में भी क्रिकेट विश्व कप को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। साथ ही लखनऊ के चौक सराफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद महेश्वरी ने चांदी की विशेष क्रिकेट विकेट पिच के साथ में जीत का जश्न मनाने की तैयारी में है। मैं विनोद महेश्वरी भारतीय टीम को बधाई देता हूं। इस बार विश्व कप भारत में आए और सभी टीम के मेंबर्स पूरी निष्ठा के साथ लगे और जीत कर पूरे भारत को और अपने नहीं पूरे विश्व को भारत की प्रतिभा को लोहा मना दें। भारतीय टीम के लगातार जीतने के कारण से हम लोग की आशा पूरी टीम पर लगी हुई है और पूरा देश उनके साथ है। पूरा सब कुछ हम लोगों ने एक इसी विशेष ध्यान में रखते हुए चांदी का ये पिच और विकेट बैट बॉल तैयार किया है जो भारतीय टीम के को हम देना चाहते हैं। अगर ये विश्व कप हमारे हाथ में आता है तो हम भारतीय टीम को ये गिफ्ट देना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तेलंगाना के गढ़वाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। आज मेरा सौभाग्य है कि जहां महाशक्ति की पीठों में से एक जोगुलम्बेश्वरी शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं बीजपल्ली, आग्नेय स्वामी, हनुमान मंदिर और महारानी आदि लक्ष्मी देवम मां को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वेदिक आसीनटुवंटि मित्रुलु अशेष प्रजानीकमो इक्कड विच्चेसिनटुवंटि నా యువ మిత్రులారా, సోదర సోదరిమణులారా, నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు శక్తిపీఠమైనటువంటి జోగులాంబేశ్వరి దేవి, బీచ్పల్లి ఆగ్నేయ స్వామి, హనుమాన్ దేవాలయం మీ మధ్యలోకి రావడం చాలా నేను అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను. మిత్రో, సబ్సే పెహలే జోగులాంబా శక్తిపీఠ కే లియే भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 करोड़ रुपया 70 करोड़ रुपया इसके पुनरोद्धार के लिए दिया है। मित्रलारा, इवाला शक्तिपीठमैनटुवंटि जोगुलांबेश्वरी देवी आलय अभिवृद्धि कोसम नरेंद्र मोदी प्रभुत्वम 70 कोट्लु अभिवृद्धि कोसम केटायिंचिंदि। मित्रों, केसीआर ने 100 करोड़ रुपया देने की घोषणा की मगर सिर्फ 20 करोड़ खर्च किया, बाकी का 80 करोड़ आप भाजपा सरकार बना लीजिए। 70 करोड़ मोदी ने दिया है, 80 करोड़ रुपया तेलंगाना सरकार देकर इस शक्तिपीठ को बहुत सुंदर यात्रा धाम बनाएगी। मित्रलारा, मोदी प्रभुत्वम 70 కోట్లు ఇవ్వడమే కాదు, కేసీఆర్ గారు 100 కోట్లు ఈ ఆలయ అభివృద్ధి కోసం ఇస్తానని హామీ ఇచ్చాడు. కానీ ఇంతవరకు ఆ 70 కోట్లు మోదీ గారు ఇచ్చింది కూడా ఖర్చు చేయలేదు, అదేవిధంగా కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీ కూడా వారు నిలబెట్టుకోలేదు. మిత్రో, ఆనేవాలా చునావ్ తెలంగాణ కా 5 సాల్ కే లియే భవిష్య నిర్ధారిత్ కర్నే వాలా హై. ఆనేవాలే 5 సాల్ మే मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार का विकास चाहिए या केसीआर के झूठे वादे चाहिए, ये तय करना है। मित्रलारा, जरगबा एन्निकलु
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు నిర్ధారించేటువంటి ఎన్నికలు రాబో 5 సంవత్సరాల్లో మోదీ గారి మద్దతుతో ఈ యొక్క డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ గనుక ఏర్పడినట్లయితే మొత్తం తెలంగాణ సమగ్ర అభివృద్ధికి దోహదపడుతున్నది మిత్రో విశేష్ కర్కర్ యువ మిత్రో మే ఆప్కో ఏక్ బాత్ కహనా చాతా హూ లక్ష్మణ్ జీ మిత్రులారా యువ సోదరులారా మీకు ఒకటి ముఖ్యమైనటువంటి యువతకు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను అబ్ బీఆర్ఎస్ కో వీఆర్ఎస్ దేనే కా టైం ఆ గయా హే రిటైర్డ్ కర్నే కా టైం ఆ గయా హే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ కు సమయం అయిపోయింది వీఆర్ఎస్ వచ్చేటువంటి టైం వచ్చేసింది క్యూకి కేసీఆర్ కి సర్కార్ ఆర్ చంద్రశేఖర్ రావ్ ఖుద్ జూఠే వాదే కర్నే మే ఇన్కే ఇనోనే వరల్డ్ రికార్డ్ ప్రస్థాపిత్ కియా హే కేసీఆర్ గారు అబద్ధపు మాటలతోనే ఇవాళ ప్రజలను మోసం చేస్తూ ఏ రకంగా ఇవాళ మొత్తం హామీలన్నీ కూడా ఉల్లంఘించి మోసం చేస్తున్నందుకు ప్రజలు ఇవాళ ఆలోచన చేయాలి మిత్రో మే సిర్ఫ్ యహా కి బాత్ కర్తా హూ గుర్రం గుండా పుల్ పూరా కర్నే కా వాదా కియా థా జో నహీ హువా మిత్రారా చేసిన హామీలు అబద్ధాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయంటే గుర్రం గడ్డ వంతెనను రెండేళ్ల పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కేసీఆర్ మోసం చేశాడు గట్టు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ యోజన పూరి నహీకి గట్టు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కూడా రామాపురం గ్రామానికి ఇస్తానని అది కూడా చేయలేదు పలామూరు రంగారెడ్డి ఓర్ జురాలాగ్కి సించాయి యోజన పూరి నహీకి పాలమూరు రంగారెడ్డి జూరాల ప్రాజెక్టు గట్టెల సాగునీరు నెట్టపాడు రిజర్వాయరు నిర్మిస్తానని చెప్పి హామీ ఇచ్చి హామీని నిలబెట్టుకోలేదు కేసీఆర్ గడ్వాల్ మే మెడికల్ కాలేజ్ 300 బిస్తరో వాలా దేనా థా వో వాదా భీ పూరా నహీ కియా राजस्थान के बाड़मेर के शिव विधानसभा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं आपको। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में शिव विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों यहां की इष्ट देवी जगत जननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध योगी बाबा गरीबनाथ जी को मैं नमन करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आप जनता जनार्दन के कारण आज यहां पर स्वरूप सिंह खारा जी के समर्थन में बाबा गरीबनाथ जी के द्वारा स्थापित शिवनगर में उन्हीं के नाम पर स्थापित इस विधानसभा में आपसे अपील करने की और आपके साथ संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं वर्तमान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान विधानसभा का ये चुनाव हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव इस दृष्टि से है क्योंकि जब पूरा देश विकास की नई नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है उन स्थितियों में हमारा ये राजस्थान जिसकी भक्ति ने देश की शक्ति का काम किया जो दुश्मन का दांत हमेशा खट्टा करता रहा है
हमारा ये राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहेगा? उसको भी तो विकास का लाभ मिलना चाहिए, और उस दृष्टि से विकास की योजनाओं का लाभ आवश्यक है, विकास की सोच वाली सरकार भी आए, ऐसे जनप्रतिनिधि भी जाए। और भाइयों बहनों, आज राजस्थान पिछले 5 वर्ष से इस कमी को महसूस कर रहा है। भाइयों बहनों, जब पूरा देश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा हो, आज आप देख रहे होंगे विकास की नई नई योजनाएं बन रही देश के अंदर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक तरफ विकसित होने की ओर अग्रसर भारत, दूसरी तरफ दुनिया की ओर, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाता हुआ भारत। जब दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान होता है, तो इस सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया सम्मान देती है, यह सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का स्वतः सम्मान हो जाता है। भाइयों बहनों, देश के विश्वास को बहाल करने के लिए, भारत की आन मान और शान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई, पूरी देश को एकजुट करके भारत के विकास के लिए उनका आह्वान किया, तो पहली बार शासन की योजना का लाभ भी गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए मिलते हुए मोदी जी ने कहा, आप देख सकते हैं एक तरफ कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस समस्या देती है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत समाधान निकालता है। उन्होंने आतंकवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। उन्होंने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद की समस्या का समाधान दे रही है। उन्होंने गरीबों के हक को जबरन हड़पने का काम किया, मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के लिए आपने देखा होगा जो काम 60 वर्ष में नहीं हो पाया कांग्रेस नेतृत्व की सरकार में, मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचा दिया, 4 करोड़ गरीबों के घर मकान बन गए, प्रधानमंत्री आवास बन गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन भी पहुंच गया, और अब तो हर घर नल योजना को भी पहुंचाने की तैयारी हो रही है। अगर यहां पर राजस्थान में ही बीजेपी की सरकार होती, भाइयों बहनों, अब तक हर घर नल की योजना हर घर तक पहुंच गई होती। भाइयों बहनों, यहां राजस्थान में 5 वर्ष पहले जब श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार थी, विकास दिखता था, विकास होता था, जन सुनवाई होती थी। दुर्भाग्य से सरकार गई और यहां पर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आने के बाद क्या हो रहा है? आज ये विकास में आगे नहीं सरकार, आर्थिक प्रगति में आगे नहीं है। आज राजस्थान किस में आगे है? भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 है, साइबर अपराध में नंबर 1 पर है,
देश के अंदर सर्वाधिक बिजली दर में नंबर एक पर है। पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा राजस्थान में बिक रहा है, महंगाई इंडेक्स में नंबर एक है। और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और पेपर लीक करने में भी नंबर एक है। मंडी टैक्स के अलावा गुंडा टैक्स में भी नंबर एक है। और भाइयों बहनों, यहां पे नए नए माफिया पैदा हो गए, कोई भू माफिया, कोई खनन माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई गौ तस्कर माफिया। और भाइयों बहनों, इन्हीं तस्करों के लिए, इन्हीं माफियाओं के लिए हम यूपी में बुलडोजर लेके आए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। तो वहीं राजस्थान के जालौर की आहोर विधानसभा में भी बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जहां सीएम योगी ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। कि आप जनता जनार्दन के कारण आज यहां पर स्वरूप सिंह खारा जी के समर्थन में, बाबा गरीबनाथ जी के द्वारा स्थापित शिवनगर में, उन्हीं के नाम पर स्थापित इस विधानसभा में आपसे अपील करने की और आपके साथ संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं वर्तमान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान विधानसभा का ये चुनाव हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव इस दृष्टि से है क्योंकि जब पूरा देश विकास की नई नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, उन स्थितियों में हमारा ये राजस्थान, जिसकी भक्ति ने देश की शक्ति का काम किया, जो दुश्मन का दांत हमेशा खट्टा करता रहा है, हमारा ये राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहेगा? उसको भी तो विकास का लाभ मिलना चाहिए। और उस दृष्टि से विकास की योजनाओं का लाभ आवश्यक है, विकास की सोच वाली सरकार भी आए, ऐसे जनप्रतिनिधि भी जाए। और भाइयों बहनों, आज राजस्थान पिछले 5 वर्ष से इस कमी को महसूस कर रहा है। भाइयों बहनों, जब पूरा देश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा हो, आज आप देख रहे होंगे विकास की नई नई योजनाएं बन रही देश के अंदर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक तरफ विकसित होने की ओर अग्रसर भारत, दूसरी तरफ दुनिया की ओर, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाता हुआ भारत। जब दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान होता है, तो इस सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया सम्मान देती है, यह सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का स्वतः सम्मान हो जाता है। भाइयों बहनों, देश के विश्वास को बहाल करने के लिए, भारत की आन मान और शान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई, पूरी देश को एकजुट करके भारत के विकास के लिए उनका आह्वान किया, तो पहली बार शासन की योजना का लाभ भी गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए मिलते हुए मोदी जी ने कहा, आप देख सकते हैं एक तरफ कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं
कि देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी कहते नहीं नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस समस्या देती है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत समाधान निकालता है। उन्होंने आतंकवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। उन्होंने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद की समस्या का समाधान दे रही है। उन्होंने गरीबों के हक को जबरन हड़पने का काम किया, मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के लिए आपने देखा होगा जो काम 60 वर्ष में नहीं हो पाया कांग्रेस नेतृत्व की सरकार में, मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचा दिया। 4 करोड़ गरीबों के घर मकान बन गए, प्रधानमंत्री आवास बन गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन भी पहुंच गया, और अब तो हर घर नल योजना को भी पहुंचाने की तैयारी हो रही है। अगर यहां पर राजस्थान में ही बीजेपी की सरकार होती, भाइयों बहनों, अब तक हर घर नल की योजना हर घर तक पहुंच गई होती। भाइयों बहनों, यहां राजस्थान में 5 वर्ष पहले जब श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार थी, विकास दिखता था, विकास होता था, जन सुनवाई होती थी। दुर्भाग्य से सरकार गई और यहां पर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आने के बाद क्या हो रहा है? आज ये विकास में आगे नहीं, सरकार आर्थिक प्रगति में आगे नहीं है। आज राजस्थान किस में आगे है? भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 है, साइबर अपराध में नंबर 1 पर है, देश के अंदर सर्वाधिक बिजली दर में नंबर 1 पर है, पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा राजस्थान में बिक रहा है, महंगाई इंडेक्स में नंबर 1 है, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और पेपर लीक करने में भी नंबर 1 है, मंडी टैक्स के अलावा गुंडा टैक्स में भी नंबर 1 है। और भाइयों बहनों, यहां पे नए नए माफिया पैदा हो गए, कोई भू माफिया, कोई खनन माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई गौ तस्कर माफिया। और भाइयों बहनों, इन्हीं तस्करों के लिए, इन्हीं माफियाओं के लिए हम यूपी में बुलडोजर लेके आए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये सरकार विकास भी नहीं करा सकती, ये सरकार गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, ये सरकार यहां पे उपद्रवियों पर और कर्फ्यू पर भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। देखो, यूपी में पिछले 6.5 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, और जिस उत्तर प्रदेश में उससे पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था, 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज यूपी में दंगा नहीं होता है। आपने देखा होगा यहां कन्हैयालाल तेली की हत्या कर दी गई थी, कैसे निर्मम बर्बर हत्या हुई थी, बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कांग्रेस के नेता बहुत सारे मामलों में स्वयं संलिप्त पाए जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अगर इन सब घटनाओं से मुक्ति चाहिए, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सके, सरकार तुष्टीकरण की नीति पर न चल करके
हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके हितों के लिए कार्य करने वाली हो सके और साथ साथ आपकी आस्था का सम्मान करने वाली भी हो सके। लखनऊ के लोकभवन में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं आपको। 2014 में ब्लू रेजोल्यूशन लागू किया था। अब ब्लू रेजोल्यूशन के माध्यम से लोगों को पिछली सरकारों ने उन पूरे 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था पूरे देश के मत्स्य विकास के लिए, लेकिन माननीय मोदी जी ने 39,000 करोड़ रुपया 6 साल के अंदर, उसमें से 26,000 करोड़ रुपया इसके डेवलपमेंट के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली बार मत्स्य मंत्रालय खो के कैबिनेट हुआ और उसका परिणाम हम अपने अधिकारियों को उसको नीतियों को धरातल पर लागू किया। हमारे बाएं डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, प्रशांत शर्मा जी ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे, रमानी जी हैं और प्रमुख सचिव हमारे रजनीश जी के कुशल कर्मठ और लगातार उस नीतियों को समीक्षा के माध्यम से मदद किया किसानों को। तो उत्तर प्रदेश के किसानों को भी, मत्स्य पालकों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, तो वर्ल्ड फिशरी डे पर जो मार्किंग होती है पूरे देश की दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश को कल फिशरीज इनलैंड में जो कोस्टल एरिया के अलग होते हैं और जो मैदानी क्षेत्र मैदानी भाग के जितने प्रदेश हैं उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं सबको और आप सब लोगों का प्रयास उसने मार्गदर्शन मिला। प्रथम स्थान प्राप्त करना हम लोगों के लिए गर्व का विषय है क्योंकि मत्स्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम राजस्व। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।